78वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में न्यूज फॉर नेशन की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किला पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने भी झंडा फहराया है। हम आपको तस्वीर अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिल्ली के लाल किले की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वहां पे तमाम जितने भी मंत्री सांसद वो मौजूद है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद हैं, साथ ही साथ ललन सिंह भी आपको इस वीडियो में नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया है लाल किले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने झंडा फहराया है। एक तरफ जहां 7:30 बजे लाल किले के प्राचीर से तिरंगा उन्होंने फहराया है, 78वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने के लिए सभी मेहमान भी पहुंच चुके हैं। लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी लाल किला पहुंच चुके हैं, लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर अभी आपकी जो है वो हमारे स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी। दरअसल आपको बताते चले कि एक तरफ जहां पूरा देश आज 78वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लाल किला पहुंचाया गया। वो लाल किला पहुंचे हैं, उनके साथ सेना के जवान द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और इसके बाद लाल सेना के जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद वो लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे थे। पहले वहां पर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दिया और उसके बाद बापू को फूल अर्पित कर उनका नमन किया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें बिहार के, तो बिहार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे हैं दिल्ली और वहां लाल किला यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि चिराग पासवान भी वहां पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी जो है वो भी वहां पर मौजूद है। ऐसे में अगर हम बात करें तमाम जितने भी सांसद हैं वो इस दिन जो है वो पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी कुछ देर पहले लाल किला पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं तमाम वीडियो के साथ। These values are lived socially, financially, and physically. लाल किले के प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम